लेकिन मैं आज भगवान श्री राम की तपोभूमि पर आपको स्वर्ग दिखा रहा हूँ कि इस समय दीपावली के समय जो स्वर्ग लग रहा है, नगरी पूरी जो है जगमगा उठी है। लोग स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली। और आज मैं बताने वाला हूं कि चित्रकूट की जो दीपावली होती है वो किस तरह मनाई जाती है और कितनी बेहद तरीके से मनाई जाती है। और जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी दूर दूर से आते हैं इस दीपावली को मनाने के लिए चित्रकूट पर, और अपनी दीपावली घर की फैमिली के साथ न मनाने की बजाय यहाँ चित्रकूट पर दीपावली मनाते हैं। आखिरकार इतना बड़े हर्ष और उल्लास के साथ क्यों दीपावली मनाई जाती है? तो आइए बने रहिए वीडियो पर और मैं पूरा चित्रकूट का आपको दीपावली कैसे मनाई जाती है और कितनी खचाखच पूरी मार्केट फुल है, रोड पूरी फुल है। और तो हम आप लोगों को दर्शन कराते हैं चित्रकूट के और पूरा जो है आपको टूर भी देते हैं। तो ये है चित्रकूट का जो है धनुष चौराहा, जो कि अभी नया बना हुआ है और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बेहद जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है। इधर देख सकते हैं जो है धनुष का आकृति बनाई गई है। इधर कुछ बाण वगैरह हैं जो कि किसी बॉक्स पर जो है बाण जो है रखे गए हैं और काफ़ी बेहद तरीके से जो है इसको डेकोरेट किया गया है। ये पूरा चौराहा है और ये इधर से जो है रेलवे स्टेशन है। इस साइड से भी आ सकते हैं, रेलवे स्टेशन से इस साइड से भी आ सकते हैं। और मैं आपको इस दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, इधर जस्ट इसके धनुष चौराहे के जस्ट बगल से ये पावन चित्रकूट लिखा हुआ है, देख सकते हैं बड़े शब्दों में। देख सकते हैं दोस्तों ये है बेड़ी पुलिया चौराहा और कितनी भारी मात्रा में जो है भीड़ है। ये है बेड़ी, इधर से रास्ता है, ये है मेन हाईवे और इधर से आप लोगों को जाना है। तो दोस्तों जैसे आप बेड़ी पुलिया चौराहा से आप लोग अंदर आते हैं तो ये देख सकते हैं किस तरह धनुष जो ये रास्ता गई है चित्रकूट के लिए, और किस तरह जो धनुष बाण की आकृति में ये डिज़ाइन की गई है और चौराहा को इस तरह सजाया गया है। और इधर देख सकते हैं ये है बेड़ी पुलिया चौराहा के पास जो इस तरह सजाया गया है और काफ़ी जो है बेहतरीन लग रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता जी का जो है यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। और देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही हैं, विराजमान है, काफ़ी बेहतरीन अच्छी लग रही हैं। और ये दोनों साइड से जो है रास्ता गई है और इधर से जो चित्रकूट की दूरी है वो लगभग होगी 5 से 6 किलोमीटर, जो कि आप लोगों को 10 रुपये किराया लगेगा मात्र और आप लोग चित्रकूट पहुंच सकते हैं। इधर देख सकते हैं दोस्तों रामघाट यहां से 5 किलोमीटर, हनुमान दारा 6 किलोमीटर, जानकी कुंड 7 किलोमीटर है, ये बेड़ी पुलिया चौराहा से जो दूरी बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो कामतानाथ मंदिर है वो 7 किलोमीटर, सती अनुसुईया का जो मंदिर है 20 किलोमीटर है और जो गुप्त गोदावरी है वो 24 किलोमीटर बेड़ी पुलिया चौराहा से आपको दूरी पड़ेगी। जो है बेड़ी पुलिया से पैदल यात्रा निकल चुके हैं और भीड़ काफ़ी मात्रा में है, यहीं से जो है गाड़ियों को रुकवा दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा कोशिश होती है तो सीतापुर तक जो है गाड़ियाँ रिक्शा वगैरह जाते हैं, बड़े वाहन नहीं जाते हैं। तो दोस्तों चित्रकूट की जो नगरी है वो एकदम दुल्हन की तरह सजा दी गई है। और ये जो कार्यक्रम है लगभग दीपावली से धनतेरस से शुरू हो करके भैया दूज तक ये चलता है और आज जो है दीपावली का पर्व है। आप लोग नज़ारा बेड़ी पुलिया चौराहा से इधर के जितनी लाइटें हैं देख सकते हैं कितनी बेहद तरीके से सजाई गई हैं और काफ़ी जो है बेहतरीन इसको देखने में लग रहा है, क्योंकि यही पूरी रोड आपको चित्रकूट में यही नज़ारा मिलेगा। चारों तरफ से लाइटिंग, हर तरफ जो है लाइटिंग ही लाइटिंग, एकदम दुल्हन की तरह पूरा चित्रकूट नगरी को सजाया गया है, जैसा आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और प्यारी जो है ये सीनरी है लाइटिंग द्वारा और आप लोग देख सकते हैं भीड़ यहीं से शुरू हो गई है और भीड़ काफ़ी मात्रा में है। तो हम लोग जो है रामघाट पहुंच चुके हैं और काफ़ी देख सकती है जो रामघाट के जस्ट बगल से भगवान श्री राम की सीनरी लगी हुई है और काफ़ी बेहद जो है दस्त लग रहा है। इधर भी सजावट काफ़ी अच्छी की हुई है, उधर देखिए चारों तरफ जो है सजावट और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है और मुझे तो इस पर ये सीन देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों मैं जो है रामघाट पर पहुँच चुका हूँ चित्रकूट पर। और जो रामघाट का इसके पीछे की कहानी क्या है मैं थोड़ा सा आपको चलता हूँ। भगवान चित्रकूट पर जो है लगभग 11.5 वर्ष रहे, यहीं पर उन्होंने तपस्या की जब उनको वनवास मिल गया था, तो चित्रकूट पर लगभग 11.5 वर्ष रहे। इसके बाद माता सीता का जो है रावण द्वारा हरण हुआ, हरण के बाद जो है भगवान श्री राम और
रावण जो लंका का राजा था उसके बीच में युद्ध हुआ, जब भगवान श्री राम ने रावण को मारकर लंका पर जो है विजय प्राप्त कर लिया। इसके बाद जब भगवान श्री राम वापस अयोध्या की ओर जा रहे थे दोस्तों, तो सर्वप्रथम जो है उन्होंने चित्रकूट के राम घाट पर जितने भी ऋषि मुनि थे उनके साथ जो है दीपक जलाया और बड़े खुशियों के साथ जो है दीपक जलाए और काफ़ी जो है उत्साहवर्धन हुआ उनका जो है। इसीलिए तब से जो है वो दीपावली जो है मनाई जाती है और उन्हीं के भगवान श्री राम के जो है याद में सब लोग जो है कि खुशियाँ आएँ, इसके लिए काफ़ी दूर दूर से लोग जो है दीपक जलाने इस राम घाट पर आते हैं। और जो ये घाट है ये भगवान श्री राम घाट क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान श्री राम जब यहाँ पर रहे चित्रकूट पर 11.5 वर्ष, तो उन्होंने इसी घाट पर नहाने आते थे। और दूसरी बात, जो ये नदी बहती है ना, ये मंदाकिनी नदी है, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी जो नदी है मंदाकिनी नदी है। और जो अभी मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा काफ़ी देखने लायक है और इसको बोलते हैं स्वर्ग, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हो जन्म जन्म की खोज बताए राम से चल के राम पे आए। तो दोस्तों आपने स्वर्ग देखा होगा, लेकिन मैं आज भगवान श्री राम की तपोभूमि पर आपको स्वर्ग दिखा रहा हूँ कि इस समय दीपावली के समय जो स्वर्ग लग रहा है, नगरी पूरी जो है जगमगा उठी है और आप लोग देख सकते हैं कितनी जो है लेजर लाइटें द्वारा जो है सजावट की गई। लगभग ये 5 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है और ये भैया दूज तक जो है चलता है, गो धनतेरस से शुरू हो करके भैया दूज को ख़त्म होता है और आज दीपावली है। और देख सकते हैं जो ये दृश्य है, आप लोग देख सकते हैं और ये देख सकते हैं दोस्तों, कितना ही प्यारा जो है लग रहा है ये दृश्य। आपको मैं स्वर्ग दिखा रहा हूँ। दीपावली में अगर आना है तो या तो अयोध्या जाइए, या तो फिर अगर अयोध्या नहीं जा पा रहे तो चित्रकूट जरूर आइए घूमने दीपावली के टाइम पे। देख सकते हैं लोग यहाँ जयकारों के, जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं चारों तरफ जो है, और जो नगरी है वो एकदम खिलखिला उठी है। भगवान श्री राम की ये नगरी है और उनकी जो है आने की जो है गुहार लगा रही है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए जो मैं इसे फिर से आपको जो है नगरी दिखाता हूँ और नीचे चलता हूँ, ये ब्रिज है जो कि वहाँ से शुरू होकर के लोग काफ़ी जो है सेल्फी वगैरह फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं और ये ब्रिज है। अभी मैं नीचे चलता हूँ। तो दोस्तों मैं भी राम घाट के जो है जो घाट बने हुए उसके किनारे बैठा हूँ और बैठने के बाद तो मुझे महसूस हो रहा है, वो फील कर सकते हैं आप लोग, चित्रकूट आने के बाद ही फील कर सकते हैं। और इस समय मुझे एक दोहा याद आ रहा है तुलसीदास जी का कि चित्रकूट के घाट में भाई संतन के भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। ये दोहा आप लोग जो है काफ़ी प्रचलित है, इसको आप लोग नौकायान भी कर सकते हैं, जैसा दो ये दो जो है इधर जो है 50 रुपये पर व्यक्ति का लेते हैं चार्ज जो है, और आपको पूरा जो है उधर से पूरा जो है यात्रा नाव द्वारा कराएंगे और जो नाव द्वारा जो है आपको फील होगा ना, आप लोग सब महसूस कर सकते हैं। उधर जो दोस्तों जो है वो ज़्यादा घाट, मेन घाट है उस साइड, इस साइड तो नहीं हम लोग इस पार हैं, उस साइड ज़्यादा लोग जो है देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में। इधर जो तो भोलेनाथ जी का मंदिर है जो कि सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ चलती है, लोग जो है काफ़ी दूर दूर से जल चढ़ाने के लिए आते हैं। ये देख सकते हैं मदगंज राजा नाथशिव मंदिर का जो राम घाट के किनारे है, काफ़ी जो है प्रचलित मंदिर है शिव जी का। अगर आप लोग सावन में आते हैं चित्रकूट तो ज़रूर इस मंदिर पर विजिट कीजिए, बहुत ही भारी मात्रा में भीड़ होती है सावन महीने में, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लाखों लोग आते हैं यहाँ पर। और दिवाली खैर तो ये चित्रकूट का एकदम आप समझ ही सकते हैं, देख करके कितना प्यारा लग रहा है सीन जो है, और दृश्य जो है देख करके मन प्रफुल्लित हो रहा है। दोस्तों जो है घाट के किनारे लोग जो है अपना कंबल वगैरह डाल करके सो भी रहे हैं, जैसा आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों लेजर शो भी लगाया गया है जो कि पहली बार इस समय लगाया गया है, और आप लोग देख सकते हैं ये देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है, ये देखिए। दोस्तों मैं राम घाट के प्रथम घाट पर आ चुका हूँ और जो मैं अभी दिखाता हूँ वो स्वामी तुलसीदास की जो है यहाँ बहुत बड़ी जो है मूर्ति रखी गई है।
ये देख सकते हैं दोस्तों, ये गोस्वामी तुलसीदास की मूर्ति रखी गई है जो इसी घाट पर जो है कई दोहे लिखे हैं, जैसे कि चित्रकूट की घाट पर भई संतन के भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, और काफ़ी जो है सजावट की गया है इसमें। उस पार्क का जो दृश्य है कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए काफ़ी प्यारा लग रहा है। राम घाट के दोस्तों जस्ट ये घाट है, इसके जस्ट बगल से बहुत सारी दुकान है जो कि आप हर चीज़ ले सकते हैं यहाँ पर जो है प्रसाद के नाम पर। दोस्तों आपने कभी स्वर्ग देखा है, मैं अभी स्वर्ग दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए, ये प्रतिमा हनुमान जी की देख करके बहुत बड़ी प्रतिमा है, और आप लोग देख करके ये बोलेंगे अद्भुत अविश्वसनीय, देख सकते हैं कितनी ही प्यारी लग रही है। और ये जो मूर्ति है जस्ट राम घाट के जस्ट बगल से है, इधर घाट है और इसके जस्ट बगल से मूर्ति जो है बनाई गई है, अभी जो है न्यू स्थापित की गई है और काफ़ी बेहद देखने में लगी, देख सकते हैं। तो राम घाट पर अभी जो है पटाखों से आतिशबाजियों से स्वागत हो चुका है दीपावली का, कि भगवान श्री राम आए और इस घाट पर दीपक जलाकर जितने भी आए हुए श्रद्धालु हैं उनका जो है उद्धार करें, ये देख सकते हैं पटाखों से स्वागत हो चुका है। देखिए आप लोग ये अद्भुत अविश्वसनीय है, बहुत ही सुंदर दृश्य, और आप लोग देखेंगे अगले साल रुकने वाले नहीं है, या तो आप घर जाएंगे या तो आप लोग चित्रकूट आइए और इस दृश्य आप अपने आंखों से सामने जो है देखिए, और इस दृश्य का जो मिलेगा वो आप लोगों को यहीं मिलेगा। प्रेम कोई और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है। देख सकते हैं राम घाट पर दीपों की जो है सजावट हो चुकी है, कुछ दिए बुझ चुके हैं लेकिन इधर जो है शुभ दीपावली लिख चुका है और कुछ दिए जो है बुझ चुके हैं, और आप लोग दृश्य देख सकते हैं इस समय। जितने भी यात्री आए हैं चित्रकूट पर सब यहीं सोए हुए हैं रोड के किनारे, देख सकते हैं जितने भी हैं लोग जो है सब यहीं पर सो रहे हैं रोड के किनारे, आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये है राम घाट की रास्ता और यहीं पर दोस्तों जैसे आप लोग जो चित्रकूट आते हैं और अपनी जर्नी चित्रकूट की यात्रा स्टार्ट करते हैं, तो रेलवे स्टेशन आप लोग जैसे पहुंचते हैं चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन, वहां से आप लोग टैक्सी पकड़िए, 20-20 रुपए दीजिए या 25 रुपए जो भी, 25 या 30 रुपए लगता है, ज़्यादा नहीं लगता राम घाट तक का। तो राम घाट आइए, राम घाट पर जैसे आप लोग आते हैं तो स्नान करिए, मंदाकिनी नदी पर जो है डुबकी लगाइए, जैसे आप लोग स्नान आरती करिए जो है मंदाकिनी नदी पर जो है, इसके बाद आप लोग जस्ट राम घाट की जस्ट बगल से मदगंज राजा का भोलेनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है जो कि सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, तो आप लोग वहां जल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जैसे यहां का पूरा जो है आप लोग आरती वगैरह पूजा वगैरह करते हैं, इसके बाद आप लोग जो परिक्रमा है 4 या 5 किलोमीटर की, वो आप लोग यहीं से डुबकी लगाने के बाद आरती वगैरह करने के बाद जाएँ तो परिक्रमा लगाएँ, यहीं से आपको टैक्सी मिल जाएगी राम घाट से हनुमान धारा की, आप हनुमान धारा सती अनुसुईया और गुप्त गोदावरी की यात्रा कर सकते हैं राम घाट। आपको राम घाट आना पड़ेगा, राम घाट से आपको चारों धाम की यात्रा ये टैक्सी के लिए मिल जाएगी, जिससे आप लोग जो है आसानी होगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जितना भी हो सका मैंने आपको दिखाया
कुछ सिनेमेटिक शॉट भी हैं और आतिशबाजी भी हुई है, तो वो भी मैंने दिखाया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और सुकून लगा हो। तो मेरे साथ एक बार बोलो दिल से जय श्री राम, और मैं अपने वीडियो को यहाँ प्रिंट करता हूँ। आई होप ये वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बोलो चित्रकूट धाम की जय, जय श्री राम।